नमस्कार, स्वागत आपका अनादि विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि विशेष में आज बात करेंगे ईवीएम पर, किस तरह से एक बार फिर राजनीति हो रही है। देखिए, कांग्रेस को ईवीएम एक बार फिर से याद आ रही है, वो क्यों ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट को जानने के लिए, इस पूरी चर्चा को देखने के लिए आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। तो आज बात करेंगे फिर ईवीएम राग। जी हाँ, यूं तो ईवीएम से राजनीति का याराना पुराना है और जब तक इसे याद न कीजिए तब तक ये याद आती भी नहीं है। राजनेता भी इस यारी को अपनी सहूलियत के हिसाब से याद कर लेते हैं। तो फिलहाल ईवीएम की याद आई है कांग्रेस को, और वो सहूलियत क्या है जिसके लिए ईवीएम के बिगड़ैल होने की दुहाइयां दी जा रही हैं, जरूर बताएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, और फिर एक बार कांग्रेस ने ईवीएम हैकिंग का मुद्दा उठा लिया है, जिसके बाद इस पर बहस हो रही है। ईवीएम को हैक करने के दावे किए जा रहे हैं। इस बार कांग्रेस नेता कुछ जुदा अंदाज में ईवीएम को बुरा भला कह रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है उनके पास बैंगलोर से दो हैकर्स का फोन आया था, जिन्होंने ये दावा किया कि वो ईवीएम हैक कर चुनाव जिता सकते हैं। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी कि बीजेपी उपचुनाव जीती है ईवीएम का बलबूते। लेकिन कांग्रेस की यादों के पिटारे से ये बात बहुत देर बाद निकली, वो भी तब जब निकाय और पंचायत चुनाव का माहौल है। अब कांग्रेस के इस दावे पर बीजेपी ने भी तंज कसा है, लेकिन सवाल ये कि कब तक बेचारी ईवीएम ही कांग्रेस के लिए बलि का बकरा बनेगी। हम इस मामले पर चर्चा करें, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश में राजनीतिक माहौल को गर्म करने समय समय पर ईवीएम नाम का जिन चिराग से बाहर आता रहता है। निकाय और पंचायत चुनाव से पहले और विधानसभा उपचुनाव के चार माह बाद कांग्रेस ने एक बार फिर हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया है और बीजेपी पर ईवीएम हैक कराने का आरोप लगाया है। अशोकनगर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और समन्वयक शहरयार खान का कहना है कि दो हैकर्स ने ईवीएम हैक करने हमसे संपर्क किया था और वोटिंग से चार दिन पहले ही चुनाव का परिणाम बता दिया था। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उपचुनाव में उन्हीं हैकर्स से ईवीएम हैक कराई थी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता के इन आरोपों पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि हैकर्स ने आपसे ही क्यों संपर्क किया, तो शहरयार ने कहा कि हैकर्स को पार्टी से संपर्क करने के लिए बीच के व्यक्ति की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मुझसे संपर्क किया था। साथ ही साक्ष्य पर वो बोले कि इसकी जानकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को है और इस मामले पर रिसर्च भी चल रही है कि हैकर्स ने जो बातें बोली और प्रमाण दिए उनकी सत्यता क्या है और प्रमाण क्या है। आपसे बोल रहे थे कि आपके लिए वो ईवीएम हैक करने तैयार होंगे कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, और उनका जो कहना था वो ये भी था कि ये उपचुनाव के जो परिणाम हैं, जो अभी डिक्लेयर हो चुके हैं 10 नवंबर को, ये परिणाम हमको उन्होंने 28 नवंबर को बताए, 28 अक्टूबर को बताए थे कि बीजेपी को 19 और कांग्रेस को 9 सीट मिलने जा रही है। और हमारे लिए आश्चर्य की बात ये थी कि उन्होंने वो दो सीटें भी हमको बताई जो कहीं ना कहीं उस टाइम के सर्वे में कांग्रेस जीत रही थी और बाद में वो हारी, और जो उन्होंने 100% प्रतिशत वोटिंग का बताया था वो भी इधर से उधर नहीं हुआ। पत्रकार वार्ता के दौरान शहरयार खान ने जहां निर्वाचन आयोग पर भी सरकार के दबाव में चुप होने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने शहरयार खान के इस बयान पर तंज कसा है। बीजेपी नेता का कहना है कि इलेक्शन कमीशन जैसी देश की महत्वपूर्ण निष्पक्ष संस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना कांग्रेस की संस्कृति में रहा है। बीजेपी लोकमत और जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतती है और आगे भी जीतती आएगी और आगे भी जीतती रहेगी। हैकर्स न बीजेपी के संपर्क में रहे और न है, इस प्रकार की संस्कृति कांग्रेस में होगी इसलिए उनसे संपर्क किया। झूठे आरोप लगाना और एक संस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना देश विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं मुझे नहीं पता। ये सब राहुल बुद्धि से चलने वाले इनके नेता प्रवक्ता हैं, राहुल बुद्धि से चलते हैं और सवाल खड़े करना शुरू कर देते हैं। अरे, जब भारत निर्वाचन आयोग ने
ईवीएम के बारे में कोई टैम्परिंग, कोई हैकिंग हो सकती है क्या, इस बारे में खुली चुनौती दी थी, तब इंजीनियर राहुल गांधी जी चले जाते या सोनिया जी चली जाती या कमलनाथ जी चले जाते, बता देते तब कहाँ नदारद हो गए थे। ये सब केवल और केवल भ्रम खड़ा करना जानते हैं, जनता इनको जान चुकी है, इसलिए इनको नकारती है। शहरयार खान की माने तो उपचुनाव में बैंगलोर के दो हैकर्स ने मोबाइल कॉन्फ्रेंस पर उनसे संपर्क किया था और वोटिंग के चार दिन पहले यानी कि 28 अक्टूबर को हैकर्स ने बता दिया था कि कांग्रेस 9 सीटों पर और बीजेपी 19 सीटों पर जीतने वाली है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि अगर शहरयार खान के पास हैकर्स का फोन आया था तो चुनाव के चार माह बाद उन्होंने ये बात क्यों बताई, और बताया भी तो निकाय और पंचायत चुनाव से कुछ समय पहले। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ईवीएम हैकिंग का मुद्दा बनाकर एक बार फिर चुनाव आयोग के पास तो नहीं जाना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो विधानसभा उपचुनाव हुए चार माह से ज्यादा का समय बीत चुका है, सरकार भी बन गई, अब चार माह बाद कांग्रेस नेता ईवीएम हैकिंग का मुद्दा उठा रहे हैं, तो इसे किस दृष्टिकोण से देखा जाए? क्या वाकई कांग्रेस नेता के पास हैकर्स का फोन आया था, और अगर फोन आया भी था तो चार माह पहले कांग्रेस के नेता इसे निर्वाचन आयोग या सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते थे? अगर बीजेपी ने ईवीएम को ही हैक कराया था तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की खास कही जाने वाली इमरती देवी चुनाव कैसे हार गईं? क्योंकि इमरती देवी को जताने के लिए बीजेपी ने तो ईडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया था, फिर भी वो नहीं जीत सकी। तो भला ये जो भविष्यवाणी या पुरानी बातें आगे लाकर बताना कांग्रेस के लिए, क्या आने वाले समय में वो कुछ और बैकग्राउंड या फिर और जो है ग्राउंड तैयार करने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश करेंगे हम। ब्रजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हेड है, हमारे साथ इस वक्त नेक्स्ट स्टूडियो से बने हुए हैं। ब्रजेश जी, फिर याद आई ईवीएम की, और यार ना तो कांग्रेस के साथ ईवीएम का पुराना ही लगता है, क्योंकि जब जब संकट आया है राजनीति में उनके ऊपर, तब तब ईवीएम ही बुरी भली कही गई है, और ये कांग्रेस के लिए फिर से एक बार सामने आ गया है। शहरयार जी कहते हैं दो हैकर्स, भाई कहाँ है वो हैकर्स वो बता दीजिए, और जब आपको पहले ही पता चल गया था तो ये राग आप अब क्यों अलाप रहे हैं चार महीने के बाद? क्या पहले से ही डर है कहीं आने वाले चुनाव में हम फ्लॉप शो साबित हो गए तो बता तो सकेंगे? हमने तो पहले ही कहा था हैकिंग हो रही है। देखिए पारुल, हिंदुस्तान में दो दशक से ईवीएम मशीन का उपयोग हो रहा है, 1980 से इसकी शुरुआत हुई थी और कई चुनाव चले गए, लेकिन आप देखिए एक भी चुनाव ऐसा नहीं गया जिसमें ईवीएम पर सवाल ना उठाए हों। पंजाब में सवाल उठाती आम आदमी पार्टी कि ईवीएम हैक कर ली गई, हमारा माहौल बहुत अच्छा था, हम पंजाब में सरकार बनाते, लेकिन वह कांग्रेस की सरकार बन जाती है। दिल्ली में वो ईवीएम मशीन से चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो भाजपा की सरकार बनती है, तो फिर सवाल उठाए जाते हैं मायावती से लेकर कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ममता बनर्जी भी ये सवाल उठा चुकी हैं, तो आप आगे देखिए कि अभी तो मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के जब नतीजे आएंगे तो कई राजनीतिक दल ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, उनमें ममता बनर्जी भी हो सकती है, बाकी दल भी हो, तो जो भाजपा सरकार में है वो भी कभी इस पर सवाल उठाती रही है, तो ईवीएम पर सवाल जब से ये लागू हुई है तब से उठ रहे हैं। अब बात हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में शहरयार खान की जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्हें शामिल ही कर लेते हैं ना सर, पहले चर्चा में जुड़ गए हैं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। उमेश रघुवंशी जी बीजेपी चार, वो इतने समय बाद जब उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं, वो परिणाम आ गए हैं कि कितनी सीटें जीतना थी और कितनी जीते हैं उनको पहले से पता था। यदि उनके पास यदि किसी हैकर ने फोन लगाया था तो सबसे पहले उनको तो या तो जांच एजेंसियों को सूचना दे देना चाहिए, जांच एजेंसियों पे उनको भरोसा नहीं है, वो कह सकते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, जांच एजेंसियां उनके हवाले हैं, तो क्यों ना वो खुद एक स्टिंग ऑपरेशन कर लेते, उनसे बात कर लेते कि आइए आप दो विधानसभा क्षेत्रों की हैकिंग करके दिखाइए हम, किस तरह से हैक की जाती है, हमें दो क्षेत्रों में जिता दीजिए, बाद में आप पोल खोल देते सरकार के सामने, कोर्ट के सामने कि देखिए हम हैकर को लाए थे, इनको हमने इतने पैसे दिए, तो इन्होंने कर सकते थे, तो हम ये खुलासा कर सकते थे। जो देश में इतने सालों से जो सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व सवाल खड़े कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जैसे नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, तमाम नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उनके पास एक बहुत अच्छा मौका था,
उनको खुलासा कर दीजिए, कर देना चाहिए था स्टिंग ऑपरेशन करके, तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, नहीं तो ऐसे सवाल हमेशा आज भी उठे हैं और आगे भी उठेंगे। पारुल जी बिल्कुल, शेरियार जी हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस से, शेरियार खान जी जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं जिनकी हमने बाइट भी सुनी, और उमेश रघुवंशी जी हैं बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं आप बीजेपी अशोक नगर, बहुत स्वागत करती हूँ आप दोनों का नादी टीवी पर। शेरियार जी, उमेश जी, शेरियार जी सबसे पहला सवाल आपसे ही कि आपकी पीड़ा तो जग जाहिर है साहब, ईवीएम हमेशा आपके लिए पराई सी हो जाती है, लेकिन इस बार जो आपने रीजन बताया वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। दो हैकर्स आते हैं आपको बता देते हैं, लेकिन उसके चार महीने बाद जब सरकार बन जाती है सब कुछ हो जाता है, आप कहते हैं कि हमारे पास दो हैकर्स आए थे, सवाल तो उठेंगे साहब। बिल्कुल पारुल जी, जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। मैं जो बात बोल रहा हूँ निश्चित ही ये अक्टूबर 2020 के दरमियान की है, जब मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में अशोकनगर की विधानसभा मुगावली और बमोरी का प्रभारी था। हाँ। जब मेरे को एक दिन रात में किसी के माध्यम से कॉन्फ्रेंस कॉल पे ली जाती है कि ऐसे ऐसा तरह का कोई बंदा बेंगलोर से है, वो आपसे बात करना चाह रहा है, इंदौर का वो बंदे के थ्रू उससे बात हुई और उसने जो प्रस्ताव हमारे को बताया कि इस तरह का हो चीजें हो सकती हैं, तो मैंने कहा इस तरह की कई बातें होती हैं, लेकिन आप कैसे आपके भरोसा किया जाए कि ऐसा कुछ होता है या बीजेपी ऐसा कुछ करने वाली है। तो उसने मेरे को बड़े ही चैलेंजिंग रूप में बोला कि आप मेरे को मौका दें, आप कौन सी सीटों के परिणाम चाहते हैं वो हम बदल के बताएंगे। मैंने कहा इससे कोई आपके पास तथ्य, पूर्व में आपने ऐसा करा है? तो उसने मेरे को कई प्रदेशों के नाम लिए जहां पर भाजपा की अभी वर्तमान में सरकारें चल रही हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो ये भी गॉसिप हो सकता है कि वहां पर अगर वो सरकारें आई हैं या जो भी चीज है वो आपके माध्यम से हुई है, ये मैं कैसे मानूं? तो नाम लेने से नहीं, मेरे को आप कोई प्रमाण दे सकते हैं मजबूत, तभी मैं इस बात को मान सकता हूँ, अन्यथा ये सब चीजें बहुत होती रही हैं। लेकिन उसने कहा कि जब लोकसभा चुनाव में 2019 में 545 सीटों पे जो वोट गिरा, कहने लगे शहरयार जी आप बताइए जब वोटिंग मशीन बंद होने के बाद, सील्ड होने के बाद जब काउंटिंग के लिए खुलती है तो पूरे देश की लगभग 345 सीटें ऐसी हैं जहां 10,000 वोट से लेके 1,00,000 वोट तक अधिक निकलना किस ओर इशारा करता है। तो मेरे को उसकी बात में दम लगा, यही मुद्दे को लेके विपक्ष की 22 पार्टियां चुनाव आयोग के पास गई थी 2019 के चुनाव के पास, लेकिन अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग ने विपक्ष की आवाज को दबाते हुए उन बातों पर ध्यान न देकर और वो चीजें पब्लिक डोमेन में आने से रोकी। बड़ा इंटरेस्टिंग है शेरियार सर। खैर जो भी आपने बताया, अब मुझे ये बताइए आपने कहा कि सेकंड पर्सन ने थर्ड पर्सन से कॉन्फ्रेंस पे बात करवाई, तो सेकंड पर्सन कौन है जरा उसका भी नाम उजागर कर दीजिए। देखिए अभी वो चीजें जांच का विषय है, उस पर रिसर्च चल रहा है। आपने खुल्लम खुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए सर, तो सेकंड पर्सन का तो नाम बताइए जो सेकंड पर्सन आपके साथ कॉल पर था। पारुल जी, अगर कोई सूचना को वक्त से पहले, जांच और रिसर्च से पहले मैं आपको सूत्रों के नाम बताऊंगा तो शायद मुझे लगता है कि उनके लिए ठीक नहीं होगा। अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा, कुछ टाइम में उस पर रिसर्च चल रहा है। तो ये चार माह बाद ही क्यों आपको लगा कि अब सही वक्त है, अब मुझे जाना चाहिए, अब मुझे बताना चाहिए, ये अभी सही वक्त क्यों लगा आपको? देखिए मैं कल अभी नगर पालिका का भी अशोकनगर का सह प्रभारी हूँ, कल मैं अशोकनगर था, मेरे मीडिया के मित्रों को मैंने चाय पे आमंत्रित करा था और उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात चल रही थी, लेकिन उसको उन्होंने पब्लिक डोमेन में लाया। आपकी बाइट अगर आपने जो बोला है या तो आप भूल गए हैं बोलकर, आपने ये कहा कि चार माह पहले ये कॉल आपके पास आया था, आपने ये भी नहीं कहा कि आप कॉन्फ्रेंस में थे किसी के साथ, आपने तो फिर घुमा फिरा के सारी बातें कही है। नहीं, मैंने कहा मेरे को संपर्क किया था, पारुल जी मेरी बाइट सुन ले, मेरे को याद है और मैं अपनी बातों से पीछे हटने वाले चुनाव के पहले संपर्क किया था ना सर, यही तो बताया। बिल्कुल 28 अक्टूबर को किया था और 3 नवंबर को वोटिंग होनी थी। लगभग 4 दिन पहले
तो खान साहब आप कह रहे हैं कि जांच चल रही है, समय पे आने बताओ कौन सी एजेंसी जांच कर रही है? आप कांग्रेस खुद जांच करा रही है, ये भी तो बता दीजिए। एजेंसियों के भरोसे चले तो वो जांच डब्बे में ही जानी है, क्योंकि पहले की भी जो हम लोग की शिकायतें हैं आज उसके क्या परिणाम है पूरे देश के सामने। चुनाव आयोग ने उन बातों को सुनना भी वाजिब नहीं समझा, उस पर जांच कराना भी वाजिब नहीं समझा, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करा। तो निश्चित ही हम अपने सोर्सों के साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन चीजों को पूरी प्रमाणिक तौर पे एस्टेब्लिश करने के बाद निश्चित ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो सारी सच्चाइयां सामने आएंगी, क्योंकि यहाँ पर दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है, बहुत बड़ी चीजें हैं। और वो कैसे हो रही है ना शेरियार साहब, ये भी समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि आप आधी अधूरी बातें बता रहे हैं, पूरी बातें नहीं बता रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, रिसर्च के बाद एक एक चीज सामने आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नहीं तो कांग्रेस के पास कौन सी ऐसी टीम काम कर रही है, या कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा तंत्र है, या कौन सी मशीनरी है? क्योंकि ये सारी चीजें ऐसे तो आप ढूंढ कर नहीं निकाल सकते ना, आपको मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। और आप कह रहे हैं आप कहीं शिकायतें नहीं करना चाहते, और अगर आपको 4 महीने पहले पता भी चला था तो क्या कांग्रेस का दायित्व नहीं पता? आपने कहा कमलनाथ जी को भी पता है, सोनिया गांधी जी को भी पता है, तो 4 महीने पहले दायित्व नहीं था कि बताया जाए? हमारे वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा जी ने भी ये बातें पब्लिक में मीडिया में बोली। दो हैकर वाला तो आप ही के मुंह से सुन रहे हैं सर सभी। नहीं आप सज्जन सिंह वर्मा जी की भी बाइट निकाल के देख लें, उन्होंने भी। वो तो पुरानी बात हो गई आपकी, आपने जो खुलासा किया उसकी बात करें, पुरानी बात तो चुनाव आयोग ने भी चैलेंज किया था, तब आपकी पार्टी ने क्यों हैक करके नहीं दिखाया, वो पुरानी बातें छोड़ दीजिए। आपने जो नया खुलासा किया है कि मेरे साथ मेरे से दो हैकरों ने संपर्क किया था, तो उनका खुलासा करिए ना कि ये हैकर हैं और हैक करते हैं, मैं इनको सामने लाऊंगा और हैक करके दिखाऊंगा आयोग के सामने या पार्टियों के सामने। उसी पे रिसर्च चल रही है, अभी थोड़ा सा धैर्य रखे। 28 अक्टूबर 2020 की बात है, परिणाम जो उन्होंने बताए थे हमको 100% तक वही निकला, तो ये कोई अनोखी बात नहीं लगती क्या आपको? नहीं ये तो आप ही बोल रहे हैं ना कि सर परिणाम आप तक पहुंचे थे, ये तो आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि जब आपको 4 महीने पहले से पता था तो 4 महीने बाद तब क्यों याद आ रहा है कि बाकी राज्यों में तो चुनाव है तब याद आ रहा है आपको? देखिए मैं को बाकी राज्यों के चुनाव से कहीं इसको जोड़ के ना देखें, मैं तो बात कर रहा हूँ अशोकनगर की। अशोकनगर में जब था, जब मेरे से कॉन्टेक्ट हुआ, अभी कल मैं अशोकनगर गया तो मीडिया से बातचीत में ये चीज बाहर आई, बातचीत में मैंने उनको ये चीज शेयर करी कि मेरे को भी अप्रोच किया था, और सही समय पे हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं प्रमाणों के साथ उसको आपके सामने लाएंगे। आप फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। कौन सी काम कर रही है, कहां पर आपने किस फोरम में अपनी पार्टी में बात रखी है वही बता दीजिए कम से कम। वो मैंने अपने सर्वोच्च नेतृत्व को बता चुका हूँ, और मेरा सर्वोच्च नेतृत्व उसके निश्चित ही अपने जो सोर्स है उससे उसकी जांच की प्रमाणिकता को जांच करवा रहे हैं, और उसके प्रमाण अगर जब सेट हो जाएंगे, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, और जो चीज अभी वो हैकर्स ने बताई थी परिणाम जो 10 नवंबर को आए थे वो 100% वही परिणाम थे, तो इसलिए हम लोग भी आश्चर्य थे कि 100% अगर प्रतिशत भी इधर से उधर नहीं होता है। और जो आपकी रिपोर्ट में लग रहा है, एक आरोप और लग रहा है, ये तो आपने कहा कमलनाथ जी को भी पता है, सोनिया गांधी जी को भी पता है, और उनको पहले से पता है तो उन्होंने अभी तक आपकी बातों में क्यों नहीं इंटरेस्ट लिया? कोई ना कोई ट्वीट या कोई ना कोई आरोप तो उनकी तरफ से आ ही जाना चाहिए था। दूसरा ये, चलिए जल्दी बोल लीजिए, मेरा एक और सवाल है आपसे जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी ये चीज जब जांच में है, जब उस पर रिसर्च चल रहा है, तो ये चीज वो नेता उस लेवल के हैं कि ये तो आप 5 मिनट में 24 बार बोल चुके हैं। अब मुझे ये बताइए शेरियार जी को पब्लिसिटी तब मिली जब कांग्रेस कार्यालय के बाहर होर्डिंग्स लगते थे, उनमें किसी न किसी तरह का कॉमेंट होता था और शेरियार जी का बड़ा सा फोटो होता था, ये 2-3 बार हम देख चुके हैं। अभी काफी दिनों से चर्चा में नहीं आया शेरियार जी, तो क्या इसीलिए स्पेशली तो ये सब किया नहीं गया? देखिए चर्चा की मेरे को जरूरत नहीं है, मालिक का करम है, आप लोग के सहयोग से मैं कभी ना कभी डिबेटों में हफ्ते में 8 दिन में 4 दिन में दिखता रहता हूँ, अपनी पार्टी की अपनी बात रखता रहता हूँ, तो मुझे इस तरह से सेंसेशनल बनाने का कोई मेरा मिजाज नहीं है। जो होर्डिंग्स की बात कर रहे हैं तो उसमें भी तो मैं सच्चाई बीजेपी सरकार और कमलनाथ सरकार की कंपैरिजन करता था। आपको सराहा गया आपकी पार्टी की तरफ से इस मामले में कि आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। हाँ मेरे को जहाँ जो पार्टी मेरी कि आपने जांच एजेंसियों पे तो सवाल उठा दिया कि उनको इसलिए आपने जांच में शामिल नहीं किया या उनको शिकायत नहीं की क्योंकि वो केंद्र सरकार के कब्जे में है या राज्य सरकार के कब्जे, आपको क्या कोर्ट पर भी भरोसा नहीं? आप कोर्ट भी जा सकते थे कि जांच एक निष्पक्ष एजेंसी से, रिटायर्ड जज से या सिटिंग जज से जांच कराने की मांग कर सकते थे कि ये नंबर है इनकी जांच कराइए, ये नंबरों से मुझे फोन आया था और टैंपरिंग करते हैं, तो क्या आपको किसी भी संस्था पे भरोसा नहीं बचा है क्या?
देखिए नंबरों पे मैं अगर मेरी पार्टी जांच के लिए देती तो नंबर के तो क्या हाल होता मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम लोग अगर पूरे प्रमाण के साथ जो भी उचित माध्यम होगा उसके पास जाएंगे तो शायद हमारी जो बात है और जो ये खेल चल रहा है इसको किसी अंजाम तक पहुंचा सकेंगे। इसके ही लिए वो सब रिसर्च और जांच प्रमाण के साथ चल रही है। जिस दिन वो हमारे कंप्लीट हो जाएगा तो निश्चित ही इस पे एक प्रेस वार्ता के माध्यम से सबसे पहले आप ही को बताया जाएगा, आपको आमंत्रित किया जाएगा। अच्छा इतना बता दीजिए, आपने कहा कमलनाथ जी सोनिया जी को भी पता है, ये कब बताया था आपने उनको? देखिए ये सब चीज वो प्रकरण हुआ है उसके बाद ये चीज नॉलेज में आई, 4 माह पहले की बात है ना सर? जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, जब ही का है और अब उस पर कार्रवाई चल रही है और जांच के जब वो पूर्ण हो जाएगी तो निश्चित मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। ठीक है, उमेश जी को शामिल कर लेते हैं। उमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। उमेश जी तो फिर ईवीएम एक बार परेशान करने लगी है, लेकिन अगर ईवीएम हैक हो सकती है सर तो जनता को तो भरोसा दिलाना होगा, फिर ईवीएम की जगह आप बैलेट पेपर पर आ जाइए, बार बार यही आरोप लगते हैं। मैडम जी हेलो, आवाज आ रही है? कही आवाज आ रही है आपके। जब भी जो है कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल चुनाव हारते हैं तब ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, और जब ये चुनाव जीतते हैं कहीं तो ये कहते हैं कि तानाशाही या अराजकता की हार हुई। तो ये इनकी डबल स्टैंडर्ड है, इसको आपने पूरे देश में देखा होगा। और अशोकनगर चुनाव के बारे में ये जब गए 4 महीने बाद जैसे ये बुरी तरीके से हारे, ये वहां के प्रभारी थे, अब पत्रकारों के सामने ये क्या जवाब देते कि सैर खान हार गया, कि प्रत्याशी ठीक नहीं था, कि कांग्रेस पार्टी ठीक नहीं थी। 1.5 साल की इनकी सरकार के बाद जनता इनसे परेशान हो गई थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने जो है वोटिंग की। वोटिंग करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को जीत हुई, और दोनों चुनाव हम अच्छे वोटों से जीते, अशोकनगर जीते, मुहौली जीते, इनसे ये बातें हजम नहीं हुई। तो इन्होंने बिना सोचे समझे एक हास्यास्पद स्थिति है नहीं कि आपको चुनाव के दौरान ईवीएम हैकर फोन करता है, कितनी गंभीर बात है। ईवीएम हैकर के बाद आप उसके प्रपोजल को स्वीकार नहीं करते, तो आप भैया उस समय ये प्रश्न उठा सकते थे कि ईवीएम हैक होने वाली है। आपने उस समय तो एक भी प्रेस स्टेटमेंट नहीं दिया, आपकी जबान उस समय बंद क्यों हुई? इसके बाद 4 महीने बाद जब जैसे ही आपने भोपाल के पत्रकारों से बात नहीं की, आपकी सोनिया गांधी जी ने बात नहीं की, कमलनाथ जी ने बात नहीं की, अशोकनगर के पत्रकारों ने आपको घेरा और आपसे कहा कि सैर खान हार की जिम्मेदारी किसकी है, तो उन्होंने एक लाइन दे दी ईवीएम की है। आप मुझे एक बात बताइए, इनकी हैकर्स इनके संपर्क में आए, इन लोगों ने बात और ऑप्शन दिया, तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां बहुमत मिला, जनता की जीत हुई, पार्टी दोनों उपचुनाव एक जिले के दोनों हम चुनाव जीते, इसलिए इन प्रकार के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कहा बहुत सही बोला कि इनको मीडिया में रहने की आदत है, अब इस प्रकार के ईवीएम के लिए पहले कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, राहुल गांधी लगा चुके हैं, ये कोई नया विषय तो है नहीं इनके लिए। लेकिन 4 महीने तक चुप रहना, चुनाव के दौरान चुप रहना, कई प्रकार के प्रश्न आज उजागर कर दें 2 हैकर्स के नाम, उनके मोबाइल नंबर उजागर कर दें, अभी करें नहीं आपके टीवी लाइव टीवी डिबेट में उजागर करें कि इन लोगों ने मुझे उनके खिलाफ FIR करा, और मैं इनके साथ दे रहा हूं, हम लोग भी कहेंगे कि इनके खिलाफ FIR कराओ। ब्रजेश सर लेकिन उनको तो भरोसा ही नहीं है ना रघुवंशी जी, आपकी जांच एजेंसियों पर ही भरोसा नहीं है इसलिए तो खुद जांच करा रहे हैं वो। नहीं जांच एजेंसियों पे भरोसा, जो महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि इनको ये देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये जो है देश की जो स्वास्थ्य संस्था है उन पर प्रश्न खड़ा करते हैं, ये तो CBI पे भी करते हैं, इलेक्शन कमीशन पे भी करते हैं, ये तो जुडिशरी को भी नहीं छोड़ते। तो देश एक व्यवस्था से चलता है, भारतीय संविधान को ठीक से पढ़ लें, पढ़ने के बाद सारे प्रकार के निकाय बनाए, इनके फेवर में मीडिया बोलती है तो ठीक है, और मीडिया नहीं बोलती तो मोदी प्रभावित मीडिया है। तो इनने किस व्यक्ति पे इन्होंने आरोप नहीं लगाया, कौन सी संस्था पे इन्होंने आरोप नहीं लगाया, मीडिया पे ये गए, ईवीएम पे गए, CBI पे गए, इलेक्शन कमीशन पे गए, ये तो इनका काम ही है जी। इनको जनता ने नकार दिया, देश में इनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई, इनका शीर्ष नेतृत्व आज हास्यास्पद है। रघुवंशी जी दरअसल मसला ये है कि बार बार एक विपक्षी दल हो, जगह जगह जितने भी आपके विरोधी दल हैं वो सभी ईवीएम को लेकर कभी ना कभी आरोप लगाते रहे हैं, भले ही अभी आप कहते रहिए कि आप उनके समय पर भी उन्होंने ईवीएम से जीता वगैरह वगैरह, लेकिन क्योंकि लोकतांत्रिक देश है हमारा, अगर किसी को भी लेकर थोड़ा सा भी अपने वोट को लेकर ही एतराज है कि मेरा वोट किसी के पास सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो आपको उस एतराज को या उस विरोध को दूर करना पड़ेगा। नहीं हम तो स्वागत कर रहे हैं,
ये नाम तो उजागर करें, हम मैं भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष होने के नाते मैंने कहा सहयोग करूंगा, उन हैकर्स को पकड़वाने में मदद करवाऊंगा, हमारी सरकार से मैं निवेदन करूंगा। ये बताएं तो सही इनके कौन से ईवीएम हैकर्स ने इनको टेलीफोन किया, उनके नाम उजागर करें, उनके मोबाइल नंबर उजागर करें। अब आप एक बात बताओ, जब ये कहीं चुनाव जीतते हैं वहाँ ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा क्यों नहीं करते? या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है वहीं ईवीएम क्यों हैक होती है? और चलो एक प्रदेश दो प्रदेश एक निकाय के बारे में हो सकती है, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये हर चुनाव बैलेट वाले चुनाव से जो है, ठीक है, ये चुनाव आ रहे हैं। शहरयार जी से एक कमेंट ले लेते हैं। शहरयार जी, कुल मिलाकर गाड़ी वहीं आकर खड़ी हो गई है कि दो लोग जिनका नाम बताइए गाड़ी में बैठिए और आगे की कार्रवाई में जाइए। देखिए पारुल जी, बिल्कुल सही समय पे वो दो लोग का भी नाम होगा और सारी प्रमाण के साथ मीडिया के सामने होंगे। चार महीने पहले लेकिन पारुल जी, मैं ये मेरे मित्र जो भाजपा के बोल रहे थे इनको इतना बता दें कि 2017 में जब देश में लोकसभा चुनाव जो 19 वाला था उसकी बयार चालू हुई थी तो अमित शाह के पास वो कौन सा जोशी था जो वो बोल रहे थे कि 2019 में 300 प्लस आएंगे और 51% हमारा वोट परसेंटेज होगा। अरे ये तो कौन कमलनाथ जी ने भी कहा था, वो तो मध्य प्रदेश में भी बोल रहे थे कि 200 प्लस आएंगे, आए क्या? अब की बार 200 पार का नारा था उनका। वही 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 तो ये क्या है मेरे मित्र जो भाजपा के हैं, ये 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। क्यों नहीं ये स्वदेशी की बात करते हैं तो ईवीएम हटा के बैलेट से चुनाव कराते हैं? अगर आपकी इतनी देश में माहौल है, इतना ब्यार बह रही है, मोदी जी का इतना जादू चल रहा है तो आप बैलेट से कराइए ना, आप क्यों ईवीएम के पीछे पड़े हुए हैं? आपकी बातों से सहमत हैं, लेकिन सवाल ये इस बार बार इसलिए उठने लगता है कि ये तो सच है ना कि आप जहां जीत जाते हैं वहां आप मुंह पर उंगली रख लेते हैं, लेकिन जहां आप हार जाते हैं वहां ईवीएम को दोषी ठहरा देते हैं। जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी तब भी आपके आरोप थे ना, दिग्विजय सिंह साहब तो तब भी ईवीएम को लेकर ट्वीट करते थे, तभी छोड़ देना चाहिए था कि भाई हम सरकार नहीं बनाएंगे, ईवीएम खराब है। पारुल जी, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने 2018 में भाजपा के खिलाफ वोट डाला और इन्होंने 7.5 साल कैसे गुजारा है ये इनके दिल से पूछिए। तब ईवीएम कैसी थी सर, ये बताइए आप तो, सिंगल वर्ड कि अच्छी या बुरी, तब ईवीएम कैसी थी, बिगड़ी हुई थी, अच्छी थी, कैसी थी जब आपकी सरकार बनी यहाँ पर मध्य प्रदेश में? जब भी चुनाव आयोग में हमने शिकायत करी थी और बैलेट से चुनाव कराने की मांग करी थी, अभी भी हम नगर पालिका और नगर निगम के जो चुनाव होने जा रहे हैं आपकी सरकार बने तो ईवीएम इज वेरी गुड और आपकी सरकार ना बने तो ईवीएम इज वेरी बैड। पारुल जी अगर आप चार राज्यों के चुनाव के परिणामों में बोले की कांग्रेस जीती है और वहाँ पर ईवीएम अच्छी है और जहाँ भाजपा जीती है वहाँ खराब है तो ये हम नहीं बोल रहे, हमने तब भी प्रश्न उठाए थे और जो आज भी उठा रहे आपकी पार्टी की तरफ से नेताओं के टिप्पणियां हमारी तो चल रही है ना सर। पारुल जी ऐसे विक्ट्री साइन दिखाकर आए थे कमलनाथ जी सरकार में, उस वक्त भी बोल देते शायद। क्या क्या बोले आप? जब कमलनाथ जी जीत कर आए थे, जब उन्हें सीएम बनाया गया था आपकी पार्टी की तरफ से, तो विक्ट्री साइन लेकर वो पब्लिक में आए थे और जब जो विधायक चले गए थे तब भी उनका विक्ट्री साइन ही था, तो उस वक्त भी कोई संशय उन्होंने प्रकट नहीं किया था। देखिए कमलनाथ जी का जो राजनीति का स्तर है वो बहुत ऊंचा है, वो मध्य प्रदेश में आने से पहले देश की राजनीति में लगभग 40 साल सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे, तो उन्होंने हार को भी स्वीकार करने का मादा है और जीत को भी शहर स्वीकार करने का मादा है। जनता के विवेक पर छोड़ देते हैं आपकी बातों को और आपके आरोपों को। हाँ वो दो हैकर के नाम इस चुनाव से पहले उजागर कर दीजिएगा ताकि विश्वास हो जाए आप पर भी और ईवीएम पर भी। गोंड नहीं हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रजेश जी, चर्चा तो हम आगे भी करेंगे ही क्योंकि बार बार ये टॉपिक जो है कभी ना कभी निकल कर बाहर आ ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हैकर्स को लेकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं और शहरयार जी, जैसे कि अभी उमेश जी ने भी कहा कि अशोकनगर और मुंगावली का प्रभार इनके पास था, मीडिया ने पूछ लिया कि जिम्मेदारी हार की कौन लेते हैं, शहरयार जी लेते हैं क्या, तो शहरयार जी ने कहा ईवीएम खराब है। तो ईवीएम खराब चार महीने बाद पता चल रही है सर इनको, पहले पता चल जाती तो शायद 28 सीटों को लेकर चुनाव आयोग का कोई और डिसीजन होता। निश्चित तौर पर उन्होंने इसलिए वहाँ कहा है कि उन पर उंगलियां उठ रही थी, जब उन्होंने लगा कि मुझ पर ही उंगलियां उठ रही हैं कि मेरी व्यवस्था प्रबंधन ठीक तरीके से नहीं था इसलिए चुनाव हार गए, तो उन्होंने कहा किस पे ठीकरा फोड़ें, प्रदेश नेतृत्व पे फोड़ नहीं सकते, नहीं तो प्रवक्ता नहीं रहेंगे अगले पल। तो उनको एक ऐसी चीज लगी जो ईवीएम है जिस पर ठीकरा फोड़ सकते हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि उनके राष्ट्रीय नेता से लेकर तमाम नेता ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते रहे, पार्टी पे, संगठन पे और अपनी
जो प्रबंधन उनको करना चाहिए, जो जनता के बीच में जाना चाहिए, उस पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते, जनता को नाराज कर नहीं सकते, उनसे कह नहीं सकते कि आपने गलत वोट दिया, खुद की पार्टी पे सवाल उठा नहीं सकते कि हम ठीक ढंग से जनता के सामने मुद्दे नहीं ले गए, हमारे पास संगठन की कमियां हैं। तो एक ईवीएम बचती है, गरीब मशीन है जो कुछ बोलती नहीं है, तो उस पर सवाल उठ जाते हैं। तो यही उनका एक है, ठीकरा किस पे फोड़े। हम देखते हैं राजनीतिक दल हारने के बाद समीक्षा की बात करते हैं, लेकिन समीक्षा कभी सामने नहीं आती कि हम क्यों हारे, क्योंकि उनकी कमियां खुद ईवीएम आ जाती है। तो ईवीएम ही एक गरीब है, उस पर ही ठीकरा फोड़ सकते हैं शहरयार खान भी और उनके नेता भी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेचारी ईवीएम हर बार कोसी जाती है, बलि का बकरा उसे ही बनाया जाता है, और इस बार भी वही बनाई गई है, वो भी इसलिए क्योंकि अशोकनगर और मुंगावली का प्रभार जो है शहरयार जी के पास था, अब वहां वो सीट हार गए, तो ठीकरा फोड़ दिया ईवीएम पर, क्योंकि शहरयार जी खुद जिम्मेदारी नहीं ले सकते थे, पार्टी को बोल नहीं सकते थे और किसी और पर भी आरोप लगा नहीं सकते थे। तो ईवीएम बेचारी फिर गई कहीं ना कहीं आरोपों के ढेर में। अब ये बात लेकिन तब कहते तो शायद बात बनती, अब 4 महीने बाद फिर से एक बार ये बात कह दी है, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? वो नाम नहीं बताना चाहते कि दो हैकर्स कौन हैं, जिसको उन्होंने फोन किया, जिसने उस हैकर्स को कॉन्फ्रेंस में लिया, उस सेकंड पर्सन का भी वो नाम नहीं बताना चाहते। तो प्रभु कौन है वो, हमें भी तो बताइए, जनता को भी तो बताइए कि जनता कहाँ ठगी गई। ये आरोपों ही आरोपों से काम नहीं चलेगा। आपने कहा तथ्यों के साथ आते हैं, तो तथ्य बातें और आरोप नहीं होते, तथ्य सामने रखे जाते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।